हेलो एवरीवन, आई एम मुनमुन सेन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी जैसे हम लोग का फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा व्रत पूजा भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा वाले दिन, व्रत वाले दिन हम लोग कुछ विदाउट ऑनियन गार्लिक के कुछ बनाना चाहते हैं, वो भी स्वादिष्ट। तो ऐसा ही मैं कुछ बनाती हूँ, तो वही आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। वो है बटर पनीर विदाउट गार्लिक एंड ऑनियन के, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इसके लिए मैंने एक पेस्ट बनाया है। इसमें है टमाटर, अदरक और साबुत कश्मीरी मिर्च, और इसमें मैंने डाला है मखाना, 4-5 मखाना और 4-5 काजू। तो इसको मैंने पहले गर्म पानी में फुला के रख दिया था, करीब आधा से एक घंटा आपको फुलाना है, आधे घंटे में भी हो सकता है। उसके बाद मैंने ऐसे स्मूथ एक पेस्ट बनाया है। देखिए, ऐसा स्मूथ एक पेस्ट चाहिए आपको, तो मैंने इसे पहले से बना के रख लिया है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मसाले मुझे डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फ़ौरन के लिए ले लिया है एक दालचीनी, गोटा जीरा, और यहाँ है 2 इलायची, और यहाँ है तेज़पत्ता, एक सूखी मिर्च। तो इसमें और जो मसाले पड़ेंगे वो धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और थोड़ा सा चीनी मैंने यूज़ किया है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ है कस्तूरी मेथी। और यहाँ देखिए, मैंने पनीर को काट के तैयार कर लिया है। तो पनीर को मैंने इस छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दी थी, तो इससे पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे करीब 2 चम्मच दही को अच्छे से फेंट लिया है। थोड़ा इसमें क्रीमी स्ट्रक्चर आना चाहिए, अच्छे से फेंट लेना है आपको। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन गर्म होते ही मैंने यहाँ पे करीब 1 चम्मच बटर ले लिया है। अब चलिए बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर जैसे मेल्ट हो जाए तो उसमें अब मुझे डालना है तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और गोटा जीरा, 2 इलायची और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। देखिए, फोड़न अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से बहुत अच्छा सा एक स्मेल भी आ रहा है। तो अब मैं इसमें वो मिक्सचर जो मैंने पहले से तैयार करके रखा था उसे डाल दूंगी। तो देखिए, मैंने अब मसाले को डाल दिया है, और उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये जो पेस्ट बनता है ये थोड़ा सा गाढ़ा बनता है और ये चिपकने का डर भी रहता है। तो अगर आप पानी थोड़ा सा, 1 चम्मच जैसा पानी डाल दें, तो ये अच्छे से आप पका सकते हैं इसे, और नीचे चिपकने का डर भी नहीं रहता है। तो देखिए, इसको डालते ही थोड़ा सा फ्राई होते ही देखिए साइड से कितने अच्छे से इसका ऑयल निकलने लगा है। तो अब इसे अच्छे से थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। और देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारी ड्राई स्पाइसेस जो मैंने प्लेट में निकाल के रखा था। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लिया है, और मिक्स करते हुए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तो अब लगभग ये फ्राई हो चुका है अच्छे से, क्योंकि इसके साइड से देखिए कितना अच्छे से ऑयल आने लगा है, निकलने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने दही फेंट के रखा था, उस दही को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसे फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ दही को। और मैं देखिए इसमें कोई हल्दी यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि हल्दी डालने से कलर थोड़ा सा अलग आ जाता है, और मैं इसके कलर के लिए, रेड जो कलर एक अच्छा लगता है बटर पनीर में, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है साबुत कश्मीरी मिर्च। मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ इसमें, अब क्योंकि मुझे पनीर भी डालना है तो पनीर इसमें थोड़ा सा उबलना भी चाहिए। तो देखिए, अब मैं इसमें पनीर भी डाल दूंगी। पनीर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी उबलने के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पे करीब 2 चुटकी गरम मसाला डाल दिया है, और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो अब ये तैयार है करीब। तो यहाँ देखिए मैं फिर से करीब आधी चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो देखिए कैसे झटपट तैयार हो गया मेरा बटर पनीर। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, ये सच में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और जिनको भी पनीर पसंद है उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आप भी ट्राई करें एक बार। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।